खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत हर गरीब परिवारों को प्रति माह राशन प्राप्त करना कानूनी अधिकार है। इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण ग्राम खेरीबारी के हुसैन अंसारी के साथ अन्य 181 परिवारों का नाम सूची में दर्ज होने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनाया गया है, जिसके कारण लाभुकों को राशन प्राप्त करने से वंचित रखा गया है। करीब करीब 3-4 साल से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, गाली गलौज भी करता है? हाँ, गाली गलौज तो करता है, उसके जो चमचा रखा है उसके साथ गाली गलौज हो जाता है। जिस तरह से हम लोग गए थे तो वहाँ भी ये गाली दिया था कि हम मैंने इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, और नहीं मानने के कारण हम नहीं भी देंगे। कागज भी दिए, आवेदन भी दिए, इसमें से भी मैंने कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। आवेदन कहाँ दिए आप लोग? हम लोग दिए थे जैसे कि एमओ के साथ। कितना बार दिए? 3-4 बार दिए। ग्रामीण पिटीशन एमओ को भी मैंने दिया था। कितना बार दिए? लगभग 3 बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। जिला से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक हम लोगों का पिटीशन दबाव ही रहता है, इसी कारण से हम लोगों का कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं हो पा रहा। आप लोग के अनुसार इसमें दोषीदार कौन है? हम लोग के अनुसार दोषीदार वार्ड डीलर भी हैं और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एमओ साहब हैं, साथ साथ पंचायत का मुखिया साहब भी है। आपका मुखिया साहब का नाम क्या है? हम लोग का मुखिया साहब का नाम है रोसीना मालतो। सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप सभी हमारी समुदाय की मदद के लिए हमारे गोड्डा जिला के उपायुक्त का नाम अरविंद कुमार है तथा उनका मोबाइल नंबर 94-31-13-45-97 पर कॉल कर हमारे वंचित समुदायों को राशन कार्ड एवं राशन प्राप्त करने में सहयोग करें। मैं मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहद के लिए।